नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में जिन प्रश्नों को लेने जा रहे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं कि के माध्यम से हम यह बातें अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शक्तियों को जब लेकर के आते हैं तो उनके वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है जीवन पर। तो यही कुछ प्रश्न साधकों ने पूछे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी जय मां पराशक्ति, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। अष्ट यक्षिणी सुसुंदरी अनुरागिणी रति प्रिया पद्मिनी नटी आठ प्रकार की सभी यक्षिणियों के स्वभाव के बारे में जानकारी दीजिए गुरुजी। साधक यक्षिणी जैसे सुसुंदरी अनुरागिणी को बहन के रूप में आवाहन करे तो साधक के खुद के बहन को कोई खतरा तो नहीं हो सकता? साधक यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करे तो साधक को किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है? साधक की अगर दो बहन है, साधक ये संकल्प ले कि यक्षिणी साधना की तीसरी बहन बन कर आए तो क्या यह संभव है? यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करने से क्या यक्षिणी की साधक की उग्र परीक्षा लेती है या सामान्य रूप से बिना डराए आती है? क्या शक्ति का जैसा नाम होता है वैसा ही उसका स्वरूप भी होता है? यक्षिणी को मित्र के रूप में आवाहन करने पर साधक किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है? प्रेत को कोई साधक अगर सिद्ध कर ले तो उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करने में साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यक्षिणी को पत्नी के रूप में आवाहन करने पर प्राण का खतरा रहता है क्या? साधक यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करता है तो क्या इसमें भी प्राण जाने का कोई खतरा रहता है? तो यह प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू। आपने पूछा है अष्ट यक्षिणियों के बारे में जानकारी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यक्षिणी ही नहीं अप्सरा, योगिनी, भैरवी इत्यादि इन सभी की जानकारी धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो में देता रहता हूं। इसलिए जो भी लोग धर्म रहस्य मेंबर्स नहीं बने हैं वह सारे लोग धर्म रहस्य के मेंबर्स अवश्य बनिए, क्योंकि वहां की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली जानकारी से बिल्कुल अलग और उत्तम मानी जाती है। वहां की जो जानकारी है वह आपके कल्याण के लिए है और अधिक ज्यादा आपको फायदा देने वाली मानी जाती है। इसलिए वहां पर जाइए और इन यक्षिणियों के बारे में जानकारी लीजिए और अन्य गोपनीय साधनाओं के विषय में भी जानकारी ले सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं वहां उत्तर आपको दूंगा। अगला प्रश्न है, साधक यक्षिणी जैसे सुर सुंदरी है या अनुरागिणी है वो बहन के रूप में आवाहन करे तो साधक की खुद की बहन कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, जब भी इस तरह की साधनाएं की जाती हैं, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से घर पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर पर करने से वो जो शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करेगी बाकी लोग साधक साधिका नहीं है, तो ऐसे में जब वह आपके घर में आएगी देखेगी माहौल तो वह उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ और देखती है। जैसे कि आपने उसे बहन के रूप में पुकारा तो वो आपकी बहन के पास भी अवश्य ही जाएगी, लेकिन वही साधना अगर कोई व्यक्ति जंगल में या घर से बाहर या ऐसी जगह कर रहा है जहां पर उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता है तो उसे आपकी बहन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो आएगी तो कोई भी स्त्री अपने रिश्ते को सबसे ऊंचा बनाना चाहती, तो फिर आपकी बहन में अगर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है तो फिर वह जब आपकी बहन की परीक्षा लेती है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि बहन के रूप में इसका प्यार पहले से बटा हुआ है, तो कुछ हल्की फुल्की वो परीक्षा लेती है जिसको ज्यादातर लोगों ने खतरनाक बताया है जबकि ऐसा नहीं होता है। उन परीक्षाओं का प्रभाव कुछ असर पड़ता है उनके ऊपर घर में रहने के कारण, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ संकट आता हुआ नजर आता है, छुटपुट चीजें उनके साथ घटित अवश्य होती हैं, लेकिन खतरा नहीं होता है। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर जरूर उन्हें मजबूत होना चाहिए ताकि वह, क्योंकि जब वो आपकी बहन बनेगी तो इसी रिश्ते के आधार पर वह आपकी बहन की भी तो बहन होगी और उसके अंदर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद नहीं है, इस बात को यह शक्तियां पसंद नहीं करती है, कोई भी शक्ति नहीं पसंद। खतरा तो नहीं होता है लेकिन ऐसे में उन्हें कुछ न कुछ अवश्य ही ऐसी चीजों का सामना अपने आप करना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ खतरनाक हो रहा है। कारण है, वह शक्ति के साथ उसकी सेविका शक्तियां भी आएंगी, उससे जुड़ी हुई अन्य शक्तियां भी आएंगी, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही। अगला प्रश्न है कि साधक यक्षिणी को बहन के रूप में आह्वान करे तो साधक को किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है? रिश्ता बनने से पहले कोई भी शक्ति है वह आपकी हर प्रकार से परीक्षा अवश्य ले, क्योंकि कोई भी किसी के साथ अगर रिश्ता जोड़ता है तो उस रिश्ते की जो गरिमा है उस बनाने की उसकी क्षमता है कि नहीं। अधिकतर जब भी यक्षिणियों को हम माँ के भी रूप में तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन
अगर बहन के रूप में, मित्र के रूप में अगर साधना साधक करता है, तब भी साधक की परीक्षा यक्षिणी प्रेमिका स्वरूप में या कामुकता की परीक्षा अवश्य ही लेती है। कारण है कि वो बहन के रूप में यह देखना चाहती है कि आप मुझे बहन सिर्फ मानते ही हैं या फिर मेरी सुंदरता से आकर्षित होकर आपका रिश्ता डगमगा जाए। तो ऐसे में वो अपनी कई सहायक शक्तियों को भी भेजती है और कभी कभी खुद भी परीक्षा लेती है। इसके अलावा जैसे वह निडर है, आप निडर है कि नहीं है, आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, तो जो सामान्य परीक्षाएं लगभग होती है वो सारी परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ता है। प्रश्न पूछा है, अगर साधक की दो बहनें हैं और साधक ये संकल्प ले कि यक्षिणी साधक की तीसरी बहन कराए तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने जैसे कि अभी ऊपर आपको जानकारी दी थी कि वह यह देखती है कि आपका जो परिवार है, अगर आप परिवार में रहकर साधना कर रहे हैं तो क्या वह उसकी दो बहनें बनने की क्षमता रखती है। इसीलिए यह कहा जाता था पुराने समय में कि कोई भी साधना आपको करनी है तो वह घर परिवार से बाहर रहेगी, क्योंकि घर परिवार में आपसे लोग जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने की वजह से सिद्धियों के आने में संकट उत्पन्न होता है। या तो पूरा परिवार गुरु मंत्र से दीक्षित हो, उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद हो, तो शक्तियां सहज रूप में उस परिवार का सदस्य मेंबर्स बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो ये देखती हैं कि आपके अंदर तो तपस्या के कारण ऊर्जा आ रही है, लेकिन आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, रिश्ते में हैं, बहन भाई माँ पिता, ये सारे रिश्ते जो हैं जिनके साथ वह भी जुड़ रही, क्योंकि आप जुड़े हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर वो आपकी बहन बनेगी तो वह आपकी बहनों की बहन नहीं होगी, आपकी मित्र बनेगी तो आपके परिवार की मित्र नहीं होगी होगी तो इस वजह से वह उनकी भी परीक्षा लेती है, आपके साथ उनकी भी परीक्षा हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे परिवार को अगर घर में रहकर आप साधना कर रहे हैं तो गुरु मंत्र से अवश्य दीक्षित हों, जिसमें सिर्फ दीक्षा आवश्यक हो यही नहीं, इसके अलावा वह रोजाना गुरु मंत्र का जाप पूरा परिवार अवश्य करता हो। तीसरी बहन बनने में भी उसे कोई समस्या नहीं है, चौथी पांचवी छठी सातवीं बहन भी बनने में उसे कोई समस्या नहीं है। वह सिर्फ यह देखती है कि क्या वह उस घर में एडजस्ट कर पाएगी, क्या उस घर में वह रह पाएगी, क्या उसके अनुकूल वातावरण है, क्या उसकी ऊर्जा जितनी है उस ऊर्जा के बराबर ऊर्जा धारण करने वाले लोग वहां मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर शरीर की स्थिति नहीं होती जैसे हमारा मानव शरीर है, ऊर्जा को ही शरीर का दूसरा स्वरूप वहां पर माना जाता है। तो जिस प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर है उससे बेहतर ऊर्जा वाली जगह पर रहना हर शक्ति पसंद करती है, उससे निम्न श्रेणी की स्थिति में रहना पसंद नहीं करती है। अगला प्रश्न है, यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करने में क्या यक्षिणी साधक की उग्र परीक्षा लेगी या सामान्य रूप से बिना डराए आती है? देखिए, यह भी सारी बातें साधक के ऊपर निर्भर करती है और शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। ज्यादातर शक्तियां बहुत जल्दी समझ लेती हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, उसी के हिसाब से वह आपकी परीक्षा लेती है। कोई किसी को बहन बनाने के लिए तैयार हो तो क्या वह बहन तो तब बनेगी जब एक ही रक्त के बराबर, एक ही ऊर्जा जैसा, एक ही स्वभाव दोनों में मौजूद। इसको उदाहरण से मनुष्यों के रूप में समझिए कि जैसी सोच स्वभाव गुण संस्कार एक ही माँ से उत्पन्न एक पुत्र और एक पुत्री में होते हैं, उतनी ही क्षमता साधना के द्वारा आपके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक यक्षिणी आपकी बहन बनने के लिए, माँ बनने के लिए, पत्नी प्रेमिका मित्र बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? तो उसके लिए वह उग्र परीक्षाएं भी ले सकती है या फिर सामान्य रूप से भी आ सकती है या उग्र परीक्षा ना ले। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह कैसी परीक्षा लेगी। वह आपकी क्षमता को देखते हुए, आपके अंदर की आत्मिक ऊर्जा को देखते हुए, आपके ऑरा को देखते हुए, आपने अभी तक कितनी साधनाएं की हैं, इन सब चीजों को देखते हुए कि आपकी तरफ आती है, पढ़ती है, और उसके साथ उसकी सेविका शक्तियां भी होती हैं, और सेविका शक्तियां अवश्य ही परीक्षा तो वो लेती ही है, क्योंकि वह अपने स्वामी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बंधने या जुड़ने के लिए तैयार नहीं होने देना चाहती हैं जो उनसे नीचे के स्तर में हो। अगला प्रश्न आपने पूछा, क्या शक्ति का जैसा नाम होता है वैसा ही उसका स्वरूप भी होता है? जी हाँ, लगभग लगभग पुराने समय में जो नाम वर्णित किए गए हैं उन शक्तियों के, उनके जैसा ही लगभग उनका स्वरूप देखने में मिलता है। जैसे कि आपने यक्षिणियों के विषय में पूछा, जैसे सुर सुंदरी अर्थात जैसे देवता है और देवताओं में जो सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर देवियां हैं, उनके जैसी ही हमारी सुर सुंदरी यक्षिणी। अनुरागिणी अर्थात प्रेम करने वाली, जो भी प्रेम करने वाली शक्तियां हैं यक्षिणियों में, अपने यक्ष को, अपने साधक को प्रेम करना,
उसके साथ हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करना अलग अलग विधियों से, तो अनुरागिणी हो गई। रति प्रिया का मतलब है जो रति क्रिया को पसंद करती हो, प्रेम के माध्यम से भी और अन्य क्रियाओं के माध्यम से भी। रति का मतलब कामदेव की पत्नी होता है, जिसका संबंध शारीरिक सुख वाली मैथुन क्रिया से लेकर के उससे पहले होने वाली लगभग प्रेम की सारी क्रियाएं जुड़ती हैं। पद्मिनी का मतलब होता है जो कमल के जैसी सुंदर दिखने में हो और धन संपदा सब कुछ देने वाली हो। नटी मतलब नट के स्वरूप वाली हो। ऐसे ही हर एक शक्ति जिसका जैसा नाम उसका वैसा स्वभाव देखने को मिलता है। यक्षिणी को मित्र के रूप में आवाहन करने पर साधक की किस प्रकार से परीक्षा से उसे गुजरना पड़ता। देखिए मैंने पहले भी बताया है, लगभग सारी परीक्षाएं आपकी होती हैं, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता कायम होता है वह बराबर वालों में ही होता है। ऊपर नीचे में रिश्ता कोई कायम नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों का स्वभाव, दोनों की ऊर्जा का स्तर एक जैसा होना चाहिए। यह मानवों की तरह नहीं होता है, और मानव में भी आप देखते हैं कि दोस्ती वहीं टिकती है जहां पर बराबर का एक प्रकार का संबंध होता है। तो जब बराबर की स्थितियां होती हैं, जैसे मनुष्यों में तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हार व्यवहार की स्थिति, गुणों की स्थिति, स्वभाव की स्थिति, इन सब चीजें उसमें काउंट करती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा काउंट करती है ऊर्जा की स्थिति, गुण की स्थिति, संस्कार, स्वभाव की स्थिति। यहाँ पर धन बड़े छोटे, उम्र ज्यादा उम्र कम, इन सब चीजों का प्रभाव कम पड़ता। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे मित्र के ही रूप में क्यों ना हो, आपको लगभग सारी परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। लेकिन यह कोई निर्भर नहीं करता है कि आपकी परीक्षा सरल होगी या कठिन होगी। अगला प्रश्न है कि प्रेत को कोई साधक अगर सिद्ध कर ले तो उसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कोई भी साधना हो, अगर आप उसे करते हैं और बहुत समय से करने के बाद उसकी सिद्धि आपको मिल जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उस साधना को विसर्जित करने की विधि बताई गई। उस साधना को विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा अगर विसर्जन से भी वह शक्ति छूट नहीं रही है, तो दूसरा प्रयोग होता है उसी श्रेणी की उससे बड़ी शक्ति को सिद्ध करना। तब ऐसा होता है कि जो बड़ी श्रेणी की शक्ति होती है वह उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो उस शक्ति का पूरी तरह लुप्तिकरण हो जाता है या लोप हो जाता है। और यह बिल्कुल सटीक विधि है जिसके बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लगभग सभी यक्षिणी, योगिनी और अप्सराओं इत्यादि सभी चरे की शक्तियों को इससे छुटकारा मिल सकता है या उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करने में साधक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि अगर आप साधना घर पे कर रहे हैं तो परिवार के लोगों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। और तैयार होने से मतलब ये नहीं है कि ये साधना करने जा रहा है, बल्कि वह भी सभी आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा से संबद्ध। तो इसका मतलब ये है कि उन सब के अंदर गुरु मंत्र जाप किए हो, करते हो रोजाना, तो आध्यात्मिक ऊर्जा होगी तो शक्तियों को कोई समस्या नहीं होती उस स्थान पे आने में। अन्यथा आपको घर से बाहर साधना करनी चाहिए जहाँ पर कोई ना हो। यक्षिणी को पत्नी के रूप में आवाहन करने पर क्या प्राण का खतरा रहता है? साधक यक्षिणी को बहन के रूप में आवाहन करता है तो क्या इसमें प्राण जाने का कोई खतरा रहता है? देखिए आप बहुत ही सामान्य स्तर की स्थितियों के प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप पुराने वीडियो मेरे सारे देखेंगे तो अवश्य ही आपको इन प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्नों को यहाँ पर हल करके बता देता हूँ। यह बात है कि जब हम शक्ति को पत्नी के रूप में आवाहन देते हैं तो याद रखें पत्नी के रूप में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह शक्ति अब आपका शरीर खुद धारण कर और आप उसका शरीर यानी उसकी सारी शक्तियां धारण करते हैं, क्योंकि पति पत्नी को अर्धांग बताया गया है, जिसे अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं एक ही शरीर। ठीक उसी तरह किसी भी शक्ति को पत्नी के रूप में सिद्ध करने पर वह शक्ति और आप में अंतर नहीं होता है, साक्षात आप सिद्धियों का भंडार होते हैं। जितनी शक्ति उस सिद्धि में है या उस शक्ति में है उतनी आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो परीक्षा का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। ज्यादातर लोग जब पत्नी के रूप में साधना शुरू करते हैं तो पहले ही वो बीमार पड़ जाते हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां उनके आने लगती हैं, बुखार होना, शरीर को दर्द करना, माइग्रेन यानी सिर में दर्द हमेशा बने रहना, यह चीजें तुरंत होने लगती है, क्योंकि शक्ति आप देखती है आपके शरीर में उसे रहने के लिए अपना स्थान बनाना है, आपके शरीर को उसको पूरा धारण कर, इसीलिए प्राण का खतरा बन जाता है। कारण यह है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा होना आवश्यक है। आपने साधना तो शुरू कर दी लेकिन आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, तो फिर
उसकी ऊर्जा आपका शरीर कैसे ग्रहण कर पाएगा, कैसे उसे थाम पाएगा, और अगर नहीं थाम पाएगा तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान शारीरिक रूप से हो सकता है, इसीलिए प्राण के खतरे की बात कही जाती है। दूसरी बात, आप वाहन के रूप में आप वाहन करते हैं तो प्राण का खतरा उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्ति एक क्षण में भी आपके शरीर में आकर के आपका विध्वंस कर सकती है। और जब भी हम सिद्धि के रूप में शक्ति का प्रयोग करते हैं, याद रखें, तो वह उस समय आपके शरीर को धारण करती ही है, चाहे वह मित्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या माता के रूप में हो। इसीलिए खतरा प्राण जाने का कभी भी बन सकता है अगर आप उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाए। इसीलिए सबसे पहला चरण मैंने कई बार बताया है कि गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान कीजिए, उसका दशांश हवन सहित, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि कम से कम ऐसी शक्तियों के लिए आप उसकी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण कर पाए। अगर आप ऐसे ही साधना शुरू कर देंगे तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, और इसमें आपकी प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता भी नहीं कर रहा है, गुरु शक्ति भी आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए यह समस्या बनी। तो यह थे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आए होंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।